मैंने कोई डेफिमेशन नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ क्रोनोलॉजी, आपको बताती हूँ मैं। 14 मार्च 2021 के दिन मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने, यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने। मैं इंतज़ार कर रही थी कि पुलिस मुझे बुलाए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। उतने में 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा यहाँ पर आते हैं इस घर पर, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अपने सेलफोन पर एक नाम बताते हैं, वो बिंद्रा, कहते हैं कि ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं और डी कंपनी के फ्रंटमैन हैं और रजत बिंद्रा ऐसा कुछ नाम था। बोलते हैं कि ये एक कॉल करेगा ना तुम ख़त्म हो जाओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ, दुबई में जाओगी मार देगी। दुबई जाऊँगी नहीं, यहीं पर हो जाएगा, जो भी होना है यहीं पर हो जाएगा। एंड जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दे आर यू नो द फेसेस ऑफ जेएल स्ट्रीम, जॉइन जेएल स्ट्रीम, डू यू नो बोल्ड वीडियोस, फिटनेस वीडियोस, एंड मेक सम मनी, बी हैप्पी। व्हाई ड्रैग 2019 इनटू 2021? 2019 की जो बात है, हाँ, उसको यहाँ मतलब 2021 में क्यों लेकर आना चाह रहे हो? ख़त्म करो, रात गई बात गई। नहीं करना है तो फिर बोलना मत कि बताया नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने अपने मैनेजर, मेरे मैनेजर भी थे यहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि क्या करना है। वो बोलते हैं कि लड़ाई वो लड़ो जो तुम जीत सको। क्या तुम्हें लगता है तुम ये लड़ाई जीत सकती हो? इनके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 3 नन्हे मुन्ने पेट्स हैं, छोटे छोटे पेट्स हैं, और क्या है तुम्हारे पास? मैंने बोला मेरे पास सच है। तो कहा सच, उससे क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा? कोर्ट ऑफ लॉ में सत्य के आधार पर हम केस जीत सकते हैं ना। तो नहीं नहीं पैसा चाहिए, पैसा है क्या? नहीं है ना, मुंह बंद रखो, जाओ जैसा कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने देखो मेरे मैनेजर मेरा भला सोचकर कहा कि ख़त्म कर दो इस बात को, तुमको कुछ हो गया, अगर यू नो तुम्हारी जान खतरे में आ गई कौन आएगा, कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? तो अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए जाओ केस वापस ले लो। 20 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा की, रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा की धमकी से और शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन। वो भी, उसने भी कहा कि क्या शर्लिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं। शक्ति कपूर नहीं है, इसका मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जो फिल्मी शक्ति कपूर का इमेज है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसके बाप हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना जेएल स्ट्रीम कैसा है, जुड़ जाओ, इट्स अ फैमिली वेंचर, एंड ये अलग अलग बिजनेस वेंचर्स करते रहते हैं, कभी कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते हैं, यू नो आई डोंट इंटरफियर, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी एंड मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता, यू नो गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना चाहे कुछ हो गया तो क्या करूँ मैं, किसको बुलाऊँ, किसको कॉल करूँ, किसके पास जाऊँ? अगले दिन गई जुहू पुलिस चौकी और इंस्पेक्टर से कहा कि सर मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ क्योंकि मुझे डर है। किस बात का डर पूछा, मैंने कहा कि आई एम स्केयर्ड फॉर माई लाइफ एंड लिम्ब। Thank you.
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।